ऑल सेट, सब बिल्कुल सेट है। आज एक बहुत जनरल टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो। क्योंकि आज हम ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं जो आज हम खुद अपने ऊपर करने की कोशिश करते हैं वाया मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल ऑडियो और मोटिवेशनल बुक्स के थ्रू अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी है या हमारे गोल्स इतने बड़े हैं जिसको पूरा करने के लिए हम लोग इन चीजों का सहारा लेते हैं। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए मार्केट के अंदर तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स खड़े हो गए हैं, या अगर आज मैं भी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं आपको उसी दिशा की तरफ लेके जा रही है। लेकिन आज इस मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल ऑडियो और मोटिवेशनल बुक्स का सही तरीके का मायना पता लगेगा आपको कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या चीजें। सो दोस्तों, आज आपको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स मार्केट में दिखते हैं जो आपको अपनी अट्रैक्टिव स्पीच से लुभाते हैं, बट एट द एंड 3 से 4 दिन बाद आप वही अपने आप वापस आ जाते हैं। एक आप सेमिनार में गए, आपने 3 घंटे का सेमिनार बहुत अच्छे तरीके से सुना और 3 घंटे के बाद आज के बाद पूरा दिन आप सिर्फ उसी मोटिवेशनल स्पीच के अंदर घूम रहे हैं। आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, आप ऐसा कर देंगे, आप वैसा कर देंगे, ये माइंड में आपके बैठ जाता है सिर्फ वो 3 घंटे का सेमिनार बनाकर। क्योंकि उनको ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि आप किस तरीके से अपने माइंड वॉश को संभाल सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग मोटिवेट हो कैसे। ये ऑडियो का जो इम्पैक्ट है वो 3 से 4 दिन चलता है, वीडियो का 6 दिन चल जाएगा या सेमिनार का 10 दिन चल जाएगा, लेकिन एट द एंड आप वापस अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं जो कि एक हारा हुआ और डीमोटिवेटेड इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, एक्चुअली आपको मोटिवेट करेगा कौन? सो दोस्तों, आज आपको एक मंत्र देने जा रहा हूं जिसमें आपको 11 टिप्स ऐसी पता लगेंगी जिसमें आपको एक्चुअली मोटिवेट करने वाला इंसान आपके अंदर बैठा है, लेकिन आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि वो मोटिवेट किस तरीके से आप हो सकते हैं। आप आज खुद के मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो के 11 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में जरूर डाल के देखिए, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको खुद से मोटिवेट करेंगे। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल शिलो पॉजिटिव में आपके सामने हमेशा इस तरीके की वीडियो लेके आता हूं जिसमें कि आप अपने खुद का बेस बन सकें, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी आप अपनी हटा दें। सो सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये है कि आप अपने गोल्स को कैलेंडर के ऊपर पुट करें या कैलेंडर के ऊपर लिखें कि आपको एक्चुअली करना क्या है, कितने टाइम में करना है। सो दोस्तों, इस तरीके की चीजें करने से आपको एक अलग ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपके माइंड पे होगा, क्योंकि आप खुद अपने गोल्स अपने आप लिखेंगे, सोच के लिखेंगे कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, और वो भी आप बताएं। अपनी जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, आप ये देखिए कि ये वर्किंग मेरे गोल की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। आप अपने गोल की तरफ इस वर्किंग को लेके जा रहे हैं। सपोज अगर मैं यहां पे आपके सामने कुछ एक वीडियो पेश कर रहा हूं तो ये मेरे गोल की तरफ मुझे लेके जा रही है नहीं जा रही, या कुछ अननेसेसरी चीज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक योर इनपरफेक्शन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्लान योर इनपरफेक्शन, कहां पे आपकी कमियां हैं, कहां पे आपको दिक्कत आ रही है, इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि आप अपने इनपरफेक्शन पे वर्किंग करें और अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाए। फोर्थ पॉइंट, सेट योर स्मॉल गोल्स। जब हम अगर आईएएस बनने को सोचते हैं या किसी कंपनी का सीईओ बनने को सोचते हैं तो हम डायरेक्ट उस तक नहीं पहुंच सकते, उसके बीच में ऐसे काफी स्टेजेस आते हैं जिसमें आपको प्लान करना होगा। सपोज मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी है या नहीं, 21 डेज चैलेंज। इस चैलेंज के अनुसार आपको यह बताया जाता है कि आप कोई भी एक हैबिट अगर अपने अंदर डालना चाहते हैं तो उसको 21 दिन तक फॉलो कीजिए। वो 21 ही दिन क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म ऑफ चैलेंज है। अगर आपने 21 दिन पूरा कर लिया तो 22वें दिन आपकी हैबिट पड़ जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने लाइफ में
कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके फॉलो थ्रू जो भी स्टेप्स हैं उसको एक एक करके गोल को सेट करें ताकि उस परफेक्ट गोल पे आप पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कीजिए डे वाइज, अपने प्लान को चेक कीजिए कि मैं अपने प्लान को बना रहा हूं नहीं बना रहा हूं। आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप उसके एक एक करके एक्सरसाइज को करेंगे और एक्सरसाइज को करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर चीजें आती है नहीं आती। सपोज आप स्कूलिंग में हैं, स्कूलिंग में आप देखते हैं ना कि लेसन नंबर वन मैंने कर लिया, टू कर लिया, थ्री कर लिया, तो आप उसको रिविजन भी करते हैं। तो ये एक होता है अपनी प्रोग्रेस को चेक करने का तरीका जो कि आपको स्कूलिंग टाइम से सिखाया दिया जाता है लेकिन वो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आता। अगर आप सिक्स पॉइंट है, अगर आप कुछ भी छोटा गोल अचीव करते थे अपने आप को खुद रिवॉर्ड दीजिए। सपोज आपने वेट लॉस करने का प्लान कर लिया, आप ये बोलते हो कि मैं तीन दिन तक इस डाइट को फॉलो करूंगा तो चौथे दिन मुझे आधे घंटे का या 15 मिनट का समय मिलेगा अपनी मनपसंद चीज खाने का। तो दोस्तों उस 15 मिनट के लिए आप 3 दिन मेहनत करोगे। नेक्स्ट पॉइंट एम्बेस पीयर्स पॉजिटिव इंपैक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने पीयर्स के साथ अपने आप को मैच कीजिए कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को उनके साथ एग्री कर सकते हैं, उनकी लाइफ को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और आप अपनी सोच का खुद मोटिवेशनल स्पीकर बनिए, ना कि किसी दूसरे इंसान को आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश करने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे आपका गोल प्रोग्रेसिव नहीं है तो आप उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दीजिए और अपने कंपटीशन के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमेंबर योर व्हाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप ये सारा प्लान किस स्पेसिफिक चीज के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, आपको इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, आप इसको रिटर्न में अपने पास लिख के रखिए कि आज मैंने ये किया है, आज मैंने ये किया है, ये मेरी प्रोग्रेस है या ये मेरी कमियां है, तो जिससे कि आपको अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों के साथ अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।